अब कौन बोल रहा है बे? अरे मैं गवर्नमेंट से बोल रहा हूँ। कहाँ से? अबे गवर्नमेंट से, जो तुम्हारे टैक्स के पैसों पे मौज करता है। ओ गवर्नमेंट, हाँ बोलिए। हाँ तो तुमको चौटाला गांव जाना है आज। है ये कैसा गांव है और मैं क्यों जाऊँ वहाँ? तुमने लास्ट वीडियो में मिस्टर चमाट को चमाट खाने से बचाया था ना? हाँ तो अब अपनी बहादुरी चौटाला गांव को पिलेजर से बचाने में दिखाओ। जाओ। वाह, मतलब मैं ही क्यों जाऊं भाई? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना। चलो ठीक है, मैं चला जाऊंगा, बट मेरी फीस। बेटा तुम देश के लिए काम कर रहे हो, हम तुमसे फीस थोड़ी ना लेंगे यार। तुम जाओ आराम से, कोई चिंता मत करो। ओके बाय। तो ये गाइस हम लोग आ गए हैं चौटाला गांव में। ये तो भाई बहुत ही खाली वाला गांव है यार, तभी गवर्नमेंट ने हम लोग को यहाँ भेजा है। और इसमें सिर्फ एक ही फैमिली रहती है आयुष। छोटा तो चलो है, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि एक फैमिली के लिए इतना घर क्यों है यहाँ। अरे गवर्नमेंट ने इन लोग को सुविधा दे रखा है यार, हम लोग के लिए कुछ नहीं कर रहा, इन चौटाला गाँव वालों के लिए किया जा रहा है। तो आयुष, मैंने पिछले वीडियो में तुम्हारी बहुत मदद की थी और इस वीडियो में भी तुमने मुझे बुला लिया है हेल्प करने के लिए। बाल बताओ मुझे क्या मिलने वाला है? तुम्हें भी बहुत कुछ मिलेगा, चिंता मत करो, मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा तुम्हें क्या मिलेगा। चलो चलो अभी हम लोग को काम पे लगना है। इस विलेज में पिलेजर्स का अटैक होने वाला है, हमें इन सारे विलेजर्स को बचाना है पिलेजर्स से। वो तो मैं कर लूंगी, चिंता मत करो, तुम सब कुछ मेरे पे छोड़ दो। ओके, तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे अपना मिशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो दी सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपना लेयर 1 लगाएंगे बैम्बू से। सो दिस इज अ नाइस आइडिया बैम्बू से। वैसे एक बात बताओ कि बैम्बू क्यों? बैम्बू इसलिए क्योंकि अभी देखो हम लोग लगा के दिखाते हैं ये चीज को। चलो। ओके। ये विलेज तो ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इसकी बाउंड्री हम लोग यहाँ से देख के ऐसे घुमा देते हैं। तो चलो दी तुम एक तरफ का एरिया पकड़ो, मैं एक तरफ का एरिया पकड़ता हूँ। ओके। तो ये देखो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से बैम्बू लगा रहे हैं। जब बैम्बू इस तरीके से बहुत सारे उग जाएंगे ना, तो कोई भी पिलेजर इसको यहाँ से पार नहीं कर पाएगा। देखो मैं भी यहाँ अटक गया हूँ, ये एक तरीके से केज बन जाएगा। अरे ये तो बहुत मस्त आइडिया, सारे पिलेजर्स इनके अंदर फंसने लग जाएंगे। यस, अगर फंसेगी भी नहीं तो उन्हें आने में बहुत प्रॉब्लम होगी। हाँ वो तो बाकी बात है। उसके बाद हमारा सेकंड लेयर काम आएगा, तो लेकिन अभी हम लोग अपना फर्स्ट लेयर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ओके। तो यहाँ पर हम लोग बैम्बूज लगा रहे हैं गाइस, और इसमें यार थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक हम लोग उन 5 लोगों को शाउट आउट देते हैं जिन्होंने लास्ट वीडियो में लाइक सब्सक्राइब करके नीचे अच्छा सा कमेंट किया था। तो वो है बड़ा शाउट आउट रायन हसन को, क्योंकि उन्होंने चैनल मेंबरशिप ज्वाइन किया है। फिर गैलेक्सी ग्रे निंजा, माही कौर, देव और समर्थ ब्रार। तो कांग्रेचुलेशन गाइस। तो अगर तुम लोगों को भी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट चाहिए तो फटाफट से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और नीचे बहुत अच्छा सा वीडियो के बारे में कमेंट कर दो। तो चलो अभी हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। Few moments later. तो गाइस हम लोगों ने यहाँ पे चारों तरफ बैम्बू की देखो इतनी गजब लेयरिंग लगा दी है। अब हमें वेट करना है इस बैम्बू का उगने का, लेकिन हम लोग एक कोड यूज करेंगे जिससे ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। यस लेट्स गो। ये देखो हमारा कोड से भाई कितनी जल्दी बैम्बू उग गया है और हमारा विलेज पूरा बैरियर से कवर हो गया। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है आयुष। यस, यही तो हमारा प्लान था। लेट्स गो, हमारा लेयर 1 हो गया कंप्लीट। तो चलो अभी लेयर 2 की बारी है। तो लेयर 2 क्या है? लेयर 2 में हम लोग क्या करेंगे, अगर वो लोग यहाँ से फंसते फंसाते थोड़ा सा निकल भी गए, ओके, तो अभी हम लोग उन्हें यहाँ पर कांटेदार रास्तों से निकालेंगे, यानी कि हम लोग यहाँ पे स्वीट बेरीज लगाएंगे। स्वीट बेरीज लगाएंगे, ओके, मैं पहले ही समझ गई थी। यस, और यहाँ पर लगाते हैं गजब तरीके से, बहुत मजा आएगा। ये देखो जैसे ही पिलेजर यहाँ पर आएगा, आओ आओ, ओ माय गॉड, बहुत बुरी तरीके से उसे लगेगा। और यहाँ पर मैं और दीदी पूरी प्रो वाली स्पीड से लगा रहे हैं। दीदी तुमने कितना कवर कर दिया लैंड को? मैंने ऑलमोस्ट पूरा लाइन कंप्लीट कर दिया है। मैंने 2 लाइन कंप्लीट कर दी है। अरे भाई सही है यार, तो चलो। One eternity later. तो गाइस हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे स्वीट बैरेज लगा दिए यार, ये देखो अब तो उनकी खैर ही नहीं। सच में बहुत मजा आने वाला है उनको मरते हुए देखने के लिए। लेकिन अगर फिर भी वो लोग इसको भी पार कर लेते हैं, तो अभी हम लोग एक थर्ड वाला ओपी लेयर बनाने वाले हैं। कौन सा? जैसे लास्ट ज़ॉम्बी वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, डिस्पेंसर लगा के हम लोगों ने स्पेक्ट्रल लेवल्स लगाए थे, लेकिन इस बार हम लोग डिस्पेंसर लगा के उसके अंदर में फायर बॉल लगाएंगे। ओ, ये तो बहुत सही आइडिया है, चलो लगाते हैं। क्योंकि उनके पास भी ऑलरेडी तीर होता है, तो मैं उनको और तीर नहीं देना चाहता, मैं उनको आग से जलाना चाहता हूँ, भरता बनाना चाहता हूँ। ओ यस, चलो अभी हम
हम लोग यहाँ पर लगा देते है डिस्पेंसर, और उसके अंदर में हम लोग 64 फायर चार्ज भर रहे हैं इस तरीके से एकदम फुल रफ्तार से। लेट्स गो। ओह यस। तो दी देखो, हम लोगों ने यहाँ वाले डिस्पेंसर को प्रेशर प्लेट लगा के पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब जैसे ही वो यहाँ आएंगे, ओ माय भाई साहब, उनके ऊपर तो पूरा आग लगने वाला है और वो आग से मरेंगे, पूरा जल के मरने वाले हैं यार वो लोग तो। वही तो। और ऐसे हम पूरे में प्रेशर प्लेट भी भर देंगे। तो गाइस, हम लोगों ने बहुत सारे डिस्पेंसर ऑलरेडी लगा दिए हैं और हमारा थर्ड लेयर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। यस। 346 minutes later. तो गाइस, इसमें सच में बहुत ज्यादा टाइम लगा है मेरे को और दीदी को। तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार। और तुम लोगों को पता है क्या, मैं शॉर्ट्स में एनिमेशन कंटेंट भी डालता हूँ जो बहुत ज्यादा फनी होती है, तो सब्सक्राइब करो तभी तो तुम लोगों को वो शॉर्ट्स दिखेंगी। तो गाइस, हम लोग का ये थर्ड लेयर भी बहुत अच्छी तरीके से कम्प्लीट हो गया है। यस, अब तो हमने पूरा एक अच्छा सेटअप कर दिया है। अब आगे क्या करना है आयुष? फोर्थ लेयर में मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पर एक बड़ा सा, लगभग इतना बड़ा खड्डा कर देते हैं, और फिर क्या होगा कि पिलीचर्स अगर बच बुचा की जैसे भी आ जाएंगे तो वो इसके अंदर में गिर जाएंगे। बहुत मजा आएगा। ओके, नाइस आइडिया। तो चलो यहाँ पर हम खड्डा करना शुरू कर देते हैं, पूरा में करना है बड़ा सा। अरे ये क्या, ये गांव का डेप्थ है ही नहीं बे, ये चौटाला गांव बहुत ही कमजोर गांव है यार दी, तभी हम लोग को यहाँ पे बुलाया गया है। यहाँ पर तो वॉइड आ गया है। ये तो बहुत डरावनी बात हो गई सच में। यस, तभी हम जैसे प्रो लोगों की जरूरत पड़ गई यहाँ के सिक्योरिटी का ध्यान रखने की। तो यहाँ पर हम लोग अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से अभी करके दिखाएंगे। लेट्स गो। तो आयुष एक बात बताओ, अगर हमें उस स्वीट बेरीज के पास में जाना पड़े तो हम लोग कैसे जाएंगे, क्योंकि नीचे तो वॉइड है। ओह, ये तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा, इससे मेरे दिमाग में एक और ट्रैप आ गया है। क्या 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 आइडिया है? अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बीच में पुल भी बना देंगे थोड़ा सा, यहाँ पर एक या फिर दो, और फिर क्या होगा कि पिलेजर्स को जैसे ही वो पुल देखेगा वो लोग वहाँ पर आने की कोशिश करेंगे। बट हम लोग कुछ ऐसा करेंगे जिसे पिलेजर्स इस वॉल के अंदर गिर जाए, है कि नहीं? यस, वो अभी हम लोग बाद में दिखाएंगे, लेकिन पहले हम लोग इसको कम्प्लीट कर लेते हैं। I'm so excited. Much, much, much later. तो गाइस, हम लोगों ने यहाँ पर अपना ये वॉइड पूरा कम्प्लीट कर लिया है। अब जैसे पिलेजर्स आएंगे यहाँ पर सीधा नीचे, हो मजा आएगा। तो दी, अभी हम लोग यहाँ पर अपना लेयर 5 के लिए हम लोग यहाँ पर पूल बनाएंगे, और उस पूल के आगे हम लोग बैरियर भी लगाएंगे। ओ नाइस आइडिया। इसका मतलब ये है कि बैरियर इसलिए लगाएंगे कि पिलेजर्स लोग क्रॉस न कर पाए उस पूल को। एग्जैक्टली। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग पूल बनाएंगे, फिर हम लोग तो पूल पार कर लेंगे, लेकिन वो लोग इसलिए पूल पार नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ से एक बैरियर निकलेगा और वो यहाँ पर अटक जाएंगे, जैसा कि वो पहले वहाँ बम्बू में अटकने वाले थे। ओके, तो बहुत अच्छी आइडिया है। चलो पहले हम लोग एक पूल बना लेते हैं यहाँ पे प्लैंक से। okay. और ये हम लोगों ने यहाँ पर एक पूल जैसे छोटा सा रेडी कर लिया है। अभी बैरियर निकलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा पूल तो बन गया और यहाँ से हमारा बैरियर निकलेगा, तभी तो पिलेजर्स यहाँ पे अटक जाएंगे ना। यहाँ पर हम लोग लगा देंगे स्टिकी पिस्टन्स, और यहाँ पर हम लगा देंगे इस तरीके से फेंस। nice. और ये फेंस होगा बैरियर, तो यहाँ पर पिलेजर उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। मजा आएगा। अरे तो बहुत सही आइडिया है। तो चलो अभी इसे हम लोग कम्प्लीट कर लेते हैं। हमें क्या करना होगा, इस पिस्टन को एक्टिवेट यहाँ से करना होगा ना, क्योंकि हम लोग यहीं पर स्विच को दबा पाएंगे, तो हमें यहाँ पर लीवर चाहिए, तो इसके लिए अभी हमें नीचे से कनेक्शन करना है। ओके बाय। ओ माय गॉड, कितना फनी था दी, पिलेजर से पहले तू ही नीचे गिर गई। बहुत प्रॉब्लमेटिक है ये, वॉइड में कैसे फटाक से गिर जाते हैं। तभी तो हम लोगों ने बनाया ये ओपी वाला ट्रैप। लेट्स गो। मैंने यहाँ पे स्टेयर्स बना दिया है रेडस्टोन के लिए। ओ यस, थैंक यू। अभी हमें यहाँ पीछे भी करना है, हमें पीछे रेडस्टोन लगाना है, तो थोड़ा सा स्पेस और बना लेते हैं। यस, तो यहाँ पर जो पिस्टन है हमें यहाँ पर लगाना है रेडस्टोन, ताकि वो सब बाहर निकल जाए। और ये देखो, हमारा बैरियर यहाँ पे रेडी हो गया। जैसे हम लोग क्रॉस करेंगे, जब लीवर एक्टिवेट करेंगे, तो इस तरीके से बैरियर खड़ा हो जाएगा और पिलेजर इसे कभी पार नहीं कर पाएगा। अरे तो बहुत सही आइडिया है। यस, तो चलो अभी इसे हम लोग पूरा कनेक्ट कर देते हैं वहाँ के लीवर से। अब हम लोग यहाँ पर लगा देंगे रेडस्टोन का रिपीटर लगाएंगे। नीचे मुझे ऐसा लगता है मुझे इस वॉइड के पास आना ही नहीं चाहिए। ये बहुत ही ओपी वाला।
ध्यान से चलो यहाँ पे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये ट्रैप तुमने मेरे लिए बना दिया? ये अच्छा आइडिया है ना, तुम्हारे लिए भी करेंगे कभी हम लोग। अब जो विलेजर्स को हम लोग रोकते हैं, रुको मैं तो इसके पास ही नहीं आने वाले, ऊपर से देखूंगी। और अभी हमें यहाँ से रेडस्टोन वहाँ पे कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लगा देंगे रेडस्टोन का डस्ट इस तरीके से कनेक्ट करते हुए, और यहाँ पर हम लगा देंगे फिर से इसको, यहाँ से जाके ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पर हम लोग लगा देंगे लीवर। और जैसे ही अब हम लोग लीवर को एक्टिवेट करेंगे, ये देखो ये तो बहुत अच्छा बन गया है। यस, और इसे कोई भी क्रॉस नहीं कर सकेगा। बहुत सही है यार। तुम वहीं पर रहो, पिलेजर तुम्हें मार देगा। वो मरने का काम तो अभी तुम कर रही थी यहाँ पर। अरे तुम्हारा ये सेटअप देख के मुझे एक क्वेश्चन आया है। क्या चीज़? मुझे एक बात बताओ कि अगर यहाँ से पिलेजर आ रहे हो और वो ऐसे करके इसके ऊपर में गिर जाए तो फिर वो तो ऊपर आ जाएंगे और ब्रिज क्रॉस कर देंगे। नहीं, वो यहाँ से पहली बात तो ऊपर आ ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर सीढ़ी नहीं है आने की। ओह, मैं भी नीचे गिरता, बच गया। लेकिन अगर तुम ऐसा लग रहा है कि यहाँ का थोड़ा रिस्की है, तो चलो हम लोग यहाँ पर मैग्मा ब्लॉक लगा देते हैं। ओहो, क्या बात है, वो मैग्मा ब्लॉक के ऊपर में गिर के मर जाएंगे। यस, ये हम लोगों ने सारे डर्ट ब्लॉक को मैग्मा ब्लॉक से रिप्लेस कर दिया है। अरे ये तो बहुत सही आइडिया है, जिससे वो लोग जल जाए। ओहो, बहुत स्मार्ट हो। चलो फिर इसे भी हम लोग कर देते हैं, कोई भी यहाँ पे अपना ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखा पाएगा। नाइस आइडिया। तो ये देखो अपना ये ओपी ट्रैप काम कर रहा है, अगर वो लोग नीचे भी गिरते हैं तो आओ 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 लगेगा उनके। नाइस यार आयुष, तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। अरे थैंक यू दे, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ, तुम मेरे भाई हो ना, इसलिए मैंने तुम्हारी तारीफ कर दी। अरे खून का रिश्ता है। थोड़ा सा हम भी तारीफ कर देते हैं। लेकिन लेकिन अभी भी बाय एनी चांस इसको भी अगर वो लोग क्रॉस कर देते हैं, तो उसके बाद में हम लोग एक ऐसा ट्रैप लगाते हैं जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी लगाया था, जो उनको पीछे धकेलेगा। स्नो गोलम का है कि नहीं? यस, लेकिन हम लोग इस बार एक नया ट्विस्ट डाल रहे हैं उसमें। ओ वाओ, क्या ट्विस्ट है? कि अगर वो लोग स्नो फेंकेंगे तो वो सिर्फ स्नो नहीं होगा, वो होगा आग का गोला। अरे स्नो गोलम तो स्नो फेंकते हैं, तो वो आग का गोला कब से फेंकने लग गए? यही तो ट्विस्ट है। चलो फिर हम बना के देखते हैं। तो चलो लास्ट टाइम की तरह हमें वैसे ही टावर पहले बनाना है। ओके। तो देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आएंगे पिलेजर्स इस तरीके से, तो हम लोग यहाँ पर पहले लगाएंगे टावर, थोड़ा सा और ऊपर दे देते हैं ताकि वो लोग उसे वहाँ से अच्छे से देख पाए, और फिर यहाँ पे लगा देंगे हम चार्ड फेंस, और इसके ऊपर में हम लगाएंगे यहाँ पर सोल सैंड, और यहाँ पर एक एक ब्लॉक, और इसके ऊपर में एक एक स्लैब, और नीचे वाले ब्लॉक्स को हम तोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा अभी तुम लोगों को पता चल जाएगा। अभी हम लोग अंदर में कर देते हैं स्नो गोलम को स्पॉन, ये देखो इस तरीके से, और यहाँ पर हम लगा देंगे फायर। अब तो तुम लोग समझ गए ना कि वो कैसे फायर बॉल फेंकेगा, जो भी स्नो गोलम स्नो बॉल फेंकेगा वो आग के गोले बन के निकलेंगे, जब शूट होगा तब तुम लोग देखना ये बहुत ओपी लगेगा। तो चलो दी हम लोग यहाँ पे और भी बहुत सारे टावर बना देते हैं। ओके, मैं इधर में बना रही हूँ आयुष। यस, तो मैं इधर में बना रहा हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे स्नो गोलम्स डाल दिए ताकि चारों तरफ से हमें प्रोटेक्शन मिले। दी तुम भी कर रही हो ना? हाँ, मैं भी बहुत अच्छे से कर रही हूँ, मैंने इतने सारे गोलम्स डाले हैं इसके अंदर। तो ये लेयर 5 के लिए हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे स्नो गोलम के टावर कंप्लीट कर दिए हैं। ओह यस। तो अभी लेयर 6 के लिए हम लोग बहुत ही ओपी वाला चीज बनाने वाले हैं। वो क्या है तुम बताने वाले थे, अब बताओ जल्दी से, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए। तो सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि पिलेजर के सबसे बड़े दुश्मन कौन होते हैं? मतलब हम लोग हैं। अभी के लिए तो हम लोग हैं, बिल्कुल सही, लेकिन ऐसे नॉर्मली कौन होता है? मुझे यहाँ पे आयरन गोलम दिख रहा है, मुझे अच्छे से मालूम है कि आयरन गोलम पिलेजर को उड़ा देते हैं। बिल्कुल सही जवाब, यही तो अभी हम करने वाले हैं। अगर बाय एनी चांस वो लोग अंदर आ जाते हैं तो हम लोग एक मशीन बनाने वाले हैं जो ऑटोमेटिक आयरन गोलम को स्पॉन करेगा। वाह, क्या बात कर रहे हो, तो बनाओ बनाओ, मुझे भी देखना है। ये एकदम ऑटोमेटिक होगा और ये इतना मजेदार होगा ना, जो आज तक किसी ने देखा नहीं है। तो चलो अभी हम लोग बनाएंगे ऑटोमेटिक आयरन गोलम स्पॉनर। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी जगह चाहिए, तो यहाँ पर अच्छी खासी जगह है, तो यहाँ पर हम बनाते हैं। ओके। हम
आयरन यहाँ पर बनाएंगे तो हम लोग एक काम करते हैं, ऐसी मशीन बनाते हैं जिसमें से 10 आयरन गोलम निकले। अरे 10? क्या बात कर रहे हो, 10 तो बहुत ज्यादा होते हैं आयुष। ये हम लोग की फुल हेल्प करेगा, इसके बाद तो कोई चांस ही नहीं है। बिल्कुल भी चांस नहीं है। यस, तो अभी हम यहाँ पर बनाते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि आयरन गोलम यहाँ पे स्पॉन हो और फिर वो यहाँ पर आकर ऐसे फाइट करे। ओके, तो उसका हम फेस यहाँ पर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ऐसे लगा देते हैं, तो अभी इसके बाद में हम यहाँ पर लगाएंगे एक डिस्पेंसर, फिर इस तरीके से फेस करते हुए यहाँ पर लगाएंगे पिस्टन और यहाँ पर हम रख देंगे एक ब्लॉक। तो ये हमारा पहला आयरन गोलम होगा, तो हमें 10 टू चाहिए। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। यस, अभी तुम देखते जाओ यार, आज तक किसी ने ये नहीं देखा है, तुम तो देखो तभी तो पता चलेगा। मैं तो तुमसे सीख रही हूँ, काफी मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। यस, तो अभी हम यहाँ पर लगाएंगे पिस्टन। हमें ऐसे लगाना है क्योंकि वो उसको पुश करेगा। यहाँ पर हम लगाएंगे एक पिस्टन, यहाँ पर हम एक पिस्टन लगाएंगे, यहाँ पर एक पिस्टन लगाएंगे। तो ये सेम टू सेम इसकी तरह बन गया, ब्लॉक ऑफ आयरन की तरह यहाँ पर बस पिस्टन का बना दिया। या, और बटन को हम लगा देंगे यहाँ, यहाँ पर हम जैसे प्रेस करेंगे यहाँ से एक आयरन गोलम स्पॉन होगा। तो अभी हम उसका पीछे मैकेनिज्म बना रहे हैं। यस यस, देखते जाओ देखते जाओ। तुम यहाँ पर लगा देंगे फुल आयरन। यस, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर दो लेयर तुमने आयरन का भी लगा दिया, आयरन ब्लॉक का लगा, तीन लेयर लगा दिया आयरन ब्लॉक। यस, ये पुश होगा। अभी तुम देखो, देखते जाओ, अभी तुम्हें लग रहा होगा कि क्या हो रहा है, इंटरेस्टिंग है। सच में बड़ी मतलब ऐसी लग रही कि ये हो क्या रहा है। तो यहाँ पर हम एक लेयर और खींच देते हैं इस तरीके से, और ये बटन को हम यहाँ कर देते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी हम अपना रेड स्टोन का कनेक्शन इस पर से हमें करके लाना है। यहाँ पर हमें रेड स्टोन का कनेक्शन उस स्विच तक ले जाना है। ओके, मैं लेके जाती हूँ। यस, और तब तक हम यहाँ पर एक रिपीटर लगा देते हैं क्योंकि थोड़ा कनेक्शन बड़ा है ना, एक रिपीटर की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर हम लगाएंगे तीन ब्लॉक और हम रेड स्टोन को इसके ऊपर कर देंगे। तो दी, अब एक बार स्विच दबाओ। ओके, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, दबा देती हूँ। यस, वो ये आगे निकल गया। अब तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि आयरन गोलम कैसे बनेगा। हाँ, मुझे कुछ कुछ आइडिया तो हो गया है। यस, और अभी मैकेनिज्म को यहाँ पे कम्प्लीट कर देते हैं। तो फिर हम यहाँ पर लगा देते हैं ब्लॉक एंड ब्लॉक। यहाँ पर हम लगाएंगे रेड स्टोन का रिपीटर और यहाँ पर हम ब्लॉक से इसे ढक देंगे। फिर लगाएंगे यहाँ पे रेड स्टोन का डस्ट, फिर हम लगाएंगे रेड स्टोन डस्ट, फिर यहाँ पर ये ब्लॉक, फिर डस्ट, फिर यहाँ पर हम एक ब्लॉक रखना है, यहाँ पर एक डस्ट लगाएंगे, फिर हम रखेंगे यहाँ पर एक ब्लॉक, फिर लगाएंगे रेड स्टोन यहाँ पर, फिर यहाँ पर और यहाँ पर भी इस तरीके से, फिर हम लगाएंगे यहाँ पर रेड स्टोन का रिपीटर और यहाँ पर डस्ट। तो ये इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। ओह नाइस, और हमारा ये मशीन पूरा रेडी है। वो मैं बटन दबाऊं? लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें मैकेनिज्म समझा देता हूँ। जैसे हम लोग बटन दबाएंगे यहाँ से आयरन सरकेगा, आगे जाएगा और यहाँ पर इस डिस्पेंसर के अंदर में हमें काफी सारे डालने हैं काव पंपकिन। यहाँ पर जो हम लोग रेडस्टोन लगाया उसे हमें रखना है डबल टेक पर, यहाँ पर जो लगाया रिपीटर उसे भी रखना है डबल टेक पर। तो हमारा ये सेटअप हो गया रेडी। दी, अभी तुम एक बार बटन दबाओ और देखते हैं मैजिक काम करता है कि नहीं। आयरन गोलम तुम स्पॉन हो गए हो यार, आई हो, ये तो बहुत अच्छा बनाया तुमने। यस, लेकिन यहाँ पर हो जाता है गैप, तो उसी गैप को फिल करने के लिए हम लोग पहले तो यहाँ पर एक बार आयरन लगा देते हैं, लेकिन अब हम यहाँ लगा देंगे सैंड। अच्छा, तो उससे क्या होगा? उससे जब भी वो एक निकलेगा तो सैंड नीचे गिरता है, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है। तो हम लोग का गैप कभी भी कम नहीं पड़ेगा। अभी तुम चलाओगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। हाँ, मैं समझ पा रही हूँ। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे हम काफी सारा सैंड लगा देते हैं। तो यस, अब अपना अल्टीमेटली पूरा ये सेटअप रेडी है। दी, बटन दबाओ, जाओ देखो। ओके, आई एम सो एक्साइटेड। यस, इस तरीके से फिर वो सैंड नीचे गिरेगा। ये देखो, सैंड भी यहाँ पे हो गया है। ओह, सैंड इसके अंदर में चला गया, जिससे अब पुश करेगा तो वो सैंड के साथ पुश होगा। ओके, नाइस आइडिया। या, तो गाइस अपना लेयर 6 भी हो गया रेडी। लेकिन अभी भी अगर आयरन गोलम को भी हमारी हेल्प चाहिए तो दी हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी किया था, आर्म सूट ड्रेसर है कि नहीं? Yes, वो भी हम एक बार बना लेते हैं। ओके, तो इस वाले घर में अपना आर्म सूट ड्रेसर बना लेते हैं। दी, तुम उस कोने में बनाओ, मैं इस कोने में बनाता हूँ। ओके, अगर तुम लोग याद नहीं है तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से डिस्पेंसर। ऊपर में भी एक हमें लगाना है और नीचे में भी हमें एक लगाना है, और यहाँ पर लगा देना एक बटन और नीचे में लगा देना है एक रेड स्टोन का डस्ट। इस तरीके से अपना ड्रेसर हो गया रेडी। अब जो भी इसके अंदर में चीज होगी, मतलब टोटल 6 थिंग्स होगी, तो जैसे हम लोग ये बटन दबा देंगे तो सारी 6 चीजें हमारे पास आ जाएगी पूरी पहनकर। और दीदी ने भी यहाँ पे रेडी कर लिया है। लेट्स गो।
गो। मैंने तो रेडी कर लिया है। तो इसके अंदर में हम लोग नेदरराइट का अपना पूरा आर्मर डाल देते हैं। मैं तो शील्ड भी डाल रही हूँ। आयु शील्ड और स्वॉर्ड दोनों डाल देना। हाँ, क्योंकि वो लोग बहुत सारे तीर मारेंगे तो हमें उसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। यस। यहाँ पर हम डाल देते हैं हेलमेट, यहाँ पर हम डाल देते हैं चेस्ट प्लेट, यहाँ पर हम डाल देते हैं पैंट, यहाँ पर हम डाल देंगे जूते, यहाँ पर हम डाल देंगे शू, और नीचे वाले में हम लोग डालेंगे शील्ड। आयुष, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ब्रिज है ना तुमने बनाया, अगर उसको पिलेजर अगर पार कर दिए तो हमें एक और चीज बना लेना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पे है ना TNT का कुछ बनाया चाहिए जिससे ये पुल पूरा उड़ जाए और पिलेजर सब मर जाए। ये भी एक अच्छा आइडिया है। यानी तुम कह रही हो कि हम लोग पूरा पुल को ही उड़ा देंगे अगर पिलेजर यहाँ पे क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो। यस यस, और वो सारे तरह जाएंगे वॉइड में। अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो चलो भाई, अभी हमारा नेक्स्ट लेयर वही होगा फिर। चलो ओके। तो दी, तुम जो TNT वाला आइडिया बोल रही हो ना, उसके लिए एक बार के लिए हमें मैग्मा ब्लॉक नीचे से हटाने पड़ेंगे, नहीं तो बहुत रिस्क हो सकता है। ओके, मैंने आयुष कन्वर्ट कर दिया, सारे मैग्मा ब्लॉक को हटा दिया है। यस, तो चलो अभी हम लोग यहाँ पर TNT लगाएंगे। मुझे लगता है एक TNT से ये काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग दो लगा देते हैं और यहाँ पर लगा देते रेडस्टोन का डस्ट इस तरीके से, और अपना ये सिंपल सा मैकेनिज्म। अभी से दबाना मत क्योंकि ये TNT जरूर फटेगा। और TNT के लिए हमें नीचे में ब्लॉक लगा देना चाहिए ताकि वो इसको पूरा ब्लास्ट कर दे अच्छे तरीके से। तो भाई मेरे ख्याल से ये OP वाला एक और सेटअप हो गया रेडी। लेकिन फिर भी अगर कुछ हो जाता है, फिर भी कोई चांस नहीं है आयुष, कोई भी चांस नहीं है। वो तो है, लेकिन फिर भी मैं एक सिक्योर रखना चाहता हूँ अपने विलेजर्स के लिए, एक सिक्योर हाउस बनाना चाहता हूँ जहाँ पर उन्हें हम सेफली रख सके। ओके। मतलब कि अगर उनका अटैक हुआ बहुत ही गंदा वाला, तो हम अपने विलेजर्स को यहाँ से भेज दे ताकि वो रहे सेफ, और बाकी का फाइट या तो हम या फिर आयरन गोलम ले ले। वाओ, तो चलो हम लोग सेफ बंकर बनाते हैं। लेट्स गो। तो चलो दी, उसे हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। वो वाटर की मदद से बनेगा, काइंड ऑफ वो एक वाटर स्लाइड होगा। ओह माय गॉड, दिस इज अमेजिंग। तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम करेंगे होल, 2x2 होगा इस तरीके से, और फिर तुमने इसमें पानी डाल दिया है। यहाँ से जाकर ये यहाँ तक आएगा पानी। हाँ। हम पहले यहाँ पर लगा देते हैं साइन बोर्ड ताकि वो पानी वापस से पुश ना करे, यानी कि हम डाल रहे हैं पानी वापस से यहाँ पर। ओके। अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये हो क्या रहा है। मैं समझ रही हूँ कि ये क्या होगा। हम लोग वहाँ से इधर आएंगे, फिर यहाँ से आगे जाएंगे। यस। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग विलेजर्स को फटाफट अंदर भेजेंगे, वो अंदर जाएंगे। ओके। फिर वो यहाँ से पानी में होते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे, फिर वो यहाँ पर रुक जाएंगे। लेकिन अगर वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ते तो उन्हें इस ब्रीड का लालच भी दिखेगा, तो वो यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से वो यहाँ खिसकेंगे और इधर आ जाएंगे। ये तो बहुत सही आइडिया है आयुष, मैं बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ। इससे उन्हें कुछ परेशानी नहीं होने वाली। तो देखो हम लोगों ने इतना यहाँ पे लंबा वाटर स्लाइड बनाया है, तो यहाँ से हमें विलेजर को वापस भेजना है। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था वैसे ही हम करेंगे। यहाँ पर हम लगा देंगे सोल सैंड और फिर उसके अंदर में डाल देंगे पानी, और यहाँ पर लगा देंगे साइन बोर्ड ताकि वो उससे हम लोग को वापस से धक्का ना मिले। फिर यहाँ पर वापस से डाल देंगे पानी, और फिर से हम लगा देंगे यहाँ पे साइन बोर्ड, और यहाँ पर फिर से हम डाल देंगे पानी। तो ये देखो बाहर आ गए। बहुत ही सही बन गया है। अब बस इंतजार है हमारे पिलेजर्स का। आयुष, हमने तो बहुत मस्त एडवेंचरस एस्केप का डिफेंस बना लिया है यार, क्या बताए। यस, बहुत ही एडवेंचरस। तो चलो भाई हम लोग चलते हैं अंदर। ओके चलो। दी यार, पिलेजर्स आने वाले होंगे। अरे आने वाले क्या होंगे, आ गए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मैंने ध्यान ही नहीं दिया और इनके लग रहा है। शिट शिट शिट, ये लोग मर रहे हैं। ओ भाई, ये स्वीट करी तो बहुत काम कर रहा है। और ये लोग आ गए, अरे आ गए, जल्दी करो। अरे आने दो आने दो आने दो, ये लोग आ ही नहीं पा रहे। और यार, ओ माय गॉड, बैरियर बंद करो। एक तो अंदर आई यार, और ये लोग वॉइड में गिरना शुरू हो गए। ये देखो, हाय बाय हाय। अरे अरे, ये हमारा स्नो गोलम क्यों काम नहीं कर रहा। ओ देखो, ये स्नो गोलम आग का गोला फेंक रहा है। ओहो, स्नो गोलम ने भी काम करना शुरू कर दिया। लेकिन एक पिलेजर अंदर आ गया, आयरन गोलम जो है ऑलरेडी इस विलेज में। भाई तुम लोग देखो वहाँ पर हमला हुआ है। आयु, मुझे तो एक आर्मर की जरूरत है क्योंकि ये पिलेजर मुझे मारे जा रहा है जब से तीर से। ओ यस, लगता है हम लोग को आर्म सूट पहनना ही पड़ेगा। मैं तो जा रही हूँ आर्म सूट पहनने। यस, हम लोगों ने कसम खाई है पिलेजर्स को डिफेंड करने की। तो लेट्स गो। यस, यहाँ पर ये पिलेजर आ गया फिर से। यस, हम लोगों ने डॉच कर लिया और इस पिलेजर को मैंने मार दिया है। ओ हेलो पिलेजर, आपको उधर नहीं जाना, आप अंदर जाइए अपने घर के अंदर में। भाई सारे के सारे पिलेजर्स वहाँ फंस गए हैं, स्पीड बैरिस के आगे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या हो गया? आओ, आओ, ये देखो, ये लोगों ने लोड कर लिया है।
ये लोग सोच रहे हैं हमें दूर से मारेंगे, भाई पास में आओ। हिम्मत नहीं है लगता इन पिलेजर्स में, आई स्वीट बेरीज के अंदर में मर रहे हैं यार। ये लोग डर गए हैं एक्चुअली में, ये लोगों ने अपने जनरल्स को मरते हुए देखा ना, तो ये लोग आने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो वहाँ से क्या तीर मारे, आ जा आ जा आगे आ जा आ जाओ। दीदी ध्यान से दी, मर गए। ये देखो जो भी स्वीट बेरीज के अंदर घुस रहे सब मर रहे हैं, ये लोग पार ही नहीं कर पा रहे हैं। अरे आयुष देखो सेकंड वेव आने लगी है, जल्दी से अंदर आ जाओ। ओह शिट 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 शिट, फटाफट इसको बंद करो। बंद कर दिया, अभी भी दो अंदर आ गए हैं। ये दो अंदर आ गए और बाकी के बॉय के अंदर में चले गए। तुम लोग जाओ यहां से, जाओ यहां से। ये लोग आ ही नहीं पा रहे, स्वीट बेरीज पार करने की इनके बस की बात है ही नहीं। अरे दी ये वेव तो बहुत ही बड़ी है, पीछे देख। अरे ये सारे के सारे आ गए अंदर में, देखो। अबे बाहर जाओ बाहर जाओ। ये देखो अपना 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 स्नो गोलम बहुत ही गंदी तरीके से इन लोगों को मार रहा है। ये आ ही नहीं पा रहे, और ये तो एंचेंटेड वाला क्रॉसबो लेके आया है। देखो देखो ये स्नो गोलम कैसे मार रहा है, आता गोला में फेंक रहा है। और आयु तुम देखो रहे हो, सारे पिलेजर स्नो गोलम के पास में चले गए और उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बहुत ही फनी चीज है। ओ दी तुम्हें क्या लगता है, हमें पुल तोड़ देना चाहिए क्या? अरे हाँ जल्दी करो, ये सारे के सारे मेरे पीछे पड़ गए, मुझे मार रहे हैं। ओ शिट मैं आ रहा हूँ दी, कहाँ है तू? ओ माय गॉड मैं बचाता हूँ तेरे को। मारो मारो मारो। और ये देखो ओ रेड स्टार्ट हो गई आयुष। ओ शिट इतने ज्यादा आ गए यहाँ पे। ये देखो आयरन गोलम ने मारना शुरू कर दिया है। वेरी गुड आयरन गोलम, सबको मार दो। ओ यहाँ पे स्नो गोलम देखो क्या मार रहा है, गजब तरीके से आपका गोला भी फेंक रहा है। ओ हो अपना सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। और यहाँ पर ये विलेजर क्यों आया है? अरे भाई तू जा यहाँ से, जाओ जाओ जल्दी जाओ। लगता है इनको सेफ जोन में हमें डालना पड़ेगा। दी तेरी हालत बहुत खराब हो गई है, तीर लग गए तेरे ऊपर और मेरी हालत भी खराब है। शिट मैं घंटियां बजा देती हूँ। यस इन्हें घर में भेजो, 1000 से ज्यादा तो स्वीट बेरीज में फंसे हुए हैं, हम लोग का ट्रैप ओपी है एकदम। ओ भाई दी यहाँ पर तो आते जा रहे हैं लोग कंटिन्यू। मुझे लगता है आयुष हमें ये फोड़ देना चाहिए। यस मुझे भी यही लग रहा है, हमें पुलिया फोड़ देना चाहिए। अरे पुल फोड़ दो भाई, मैंने दबा दिया है और पुल फूट गया और यहाँ पर बहुत सारे मर गए हैं। यार आयुष कैसे सब लोग आ गए और मैं स्नो गोलम बहुत हेल्प कर रहा है, और आयरन गोलम भी वहाँ पे लेकिन वो अकेला लगा हुआ है। लगता है हमें आयरन गोलम भी बहुत सारे स्पॉन करने पड़ेंगे। भी मैं जा रहा हूँ आयरन गोलम्स को बुलाने के लिए। मैं भी आ रही हूँ, मैं भी आ रही हूँ, मैं भी आ रही हूँ। आयरन गोलम्स तुम्हारी जरूरत है हमें, आ जाओ आयरन गोलम। नेक्स्ट लेट्स गो आयरन गोलम। मैं दबा दिया, ये देखो आयरन गोलम काम पर लग गए हैं। मैं आयरन गोलम को बुलाती हूँ। यस मैं जाकर रेड संभालता हूँ। ओ माय गॉड आयरन गोलम फटाफट से तुम आ जाओ। ओ यहाँ पर तो बहुत सारे आ गए। ओ भाई साहब ये लोग दूसरी तरफ से भी आ गए, लगता है इन्हें कोई खाली जगह मिल गई थी। शेट 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 शेट, और ये हमारा आयरन गोलम इन सबको उड़ा रहे हैं। भाई देख आयु क्या हो रहा है, इन्हें यार एक गैप मिल गई और यहाँ पर बहुत सारे आ गए। यार इतने सारों को तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। भाई हमारे विलेजर्स को एकदम सेफ रखना है हमें, वो सारे के सारे घर के अंदर है। कहाँ पे है विलेजर्स? वो सारे घर में है, चिंता मत करो। अरे यार यहाँ पर तो आते ही जा रहे हैं और ये लोग मेरे को वाट लगा रहे हैं। तेरी हालत देख कम होने वाला है। ओ दी ये तो आते ही जा रहे हैं यार, ये तो अनस्टॉपेबल हो गए हैं। बाप रे बाप बहुत सारे आ गए। आयु चलो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, मैं तो मरने वाली हूँ। यस अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आयरन गोलम के ऊपर छोड़ देता है, फिर बाद में हम लोग भी मारेंगे, लेकिन पहले हम लोग को विलेजर्स को बचाना होगा, वो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। हाँ चलो चलो विलेजर को लेके चलते हैं। जी तुम इनको थोड़ा डाइवर्ट करो, मैं विलेजर्स को वहाँ पे डाल के आता हूँ। और जाओ 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 विलेजर, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। फार्मर रुको मत, भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? लेट्स गो लेट्स गो। आयु तुमने विलेजर्स को बचा लिया क्या? यस मैंने काफी सारों को अंदर में डाल दिया है। जाओ विलेजर जल्दी जल्दी अंदर जाओ सेफ जोन में, लेट्स गो। भाई छोटे बच्चे आओ इधर आओ इधर आओ, इधर उठाओ और अंदर में जाओ 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 जाओ, ब्रेड लेके जाओ जाओ। वो भी गया, सब गए सब गए, सारे विलेजर्स चले गए अंदर में। अब बस हमें बाकियों को खत्म करना है और इस रेड को हमेशा के लिए खत्म कर देनी है। तो ये हम लोगों ने इसकी बैंड बचा दी और ये हमारा रेड खत्म होने वाला है। बस एक और को मारना है। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये मेरे पीछे ये देखो। यस यस और ये मर से और हमारा रेड खत्म हो गया है दी। तो गाइस हम लोगों ने यहाँ पे सभी विलेजर्स को बचा लिया है। तो लास्ट वीडियो हम लोगों ने मोस्ट डिफेंस हाउस बनाया था ज़ॉम्बी के अगेंस्ट, जो तुम लोगों को स्क्रीन पे दिख रही है वो तुम लोग अभी जाके देख सकते हो, जाके देखो। तो हम लोग मिलते हैं उस वीडियो में, टिल देन बाय बाय।